अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है सारिम इमरान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट अर्थ। तो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे रेडमी नोट 13 प्रो की। तो ये हमारे पास इस वक्त डिवाइस आ चुकी है, गूगल प्ले के साथ आती है, इसके अंदर गूगल की सर्विसेज मौजूद हैं, PTA अप्रूव मोबाइल फ़ोन है और ये इसकी कुछ स्पेक्स वगैरह हैं आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो ग्रीन कलर है हमारे पास। तो इसको अनबॉक्स करके देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। तो इसको अनबॉक्स करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, तो शाओमी पे उम्मीद थी कि दो रैपर्स होंगे इस दफ़ा, लेकिन हमें इस दफ़ा देखने के लिए एक ही रैपर मिला है। तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन है। अब इसको हम अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या एक्सेसरीज देखने के लिए मिलती हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें इसकी बुकलेट देखने के लिए मिल जाती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है रेडमी बाई शाओमी। उसके बाद हम इसको ओपन करते हैं और माशाल्लाह नीचे हमें अपना फ़ोन देखने के लिए मिल जाता है जिसके अंदर 200 मेगापिक्सल का कैमरा है, 120 हर्ट्ज का फुल HD AMOLED डिस्प्ले है और कम बेजल्स के साथ इसका डिस्प्ले आता है, 67 वॉट का टर्बो चार्ज है, 5000 mAh की बैटरी है और मीडिया टेक हीलियो G99 अल्ट्रा के साथ आता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है इसके अंदर। तो मोबाइल को हम बाद में निकालते हैं, पहले हम इसके अंदर एक्सेसरीज देख लेते हैं कि हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले हमें टॉप के ऊपर हमें अपना पिन इंजेक्शन टूल देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद हमें ये बुकलेट देखने के लिए मिल जाती है। उसके बाद ये वारंटी कार्ड है। उसके बाद ये वेरिफिकेशन का तरीका है PTA का, तो ये आप लोग देख सकते हैं। अच्छी बात है कि इंग्लिश और उर्दू दोनों में आता है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। उसके बाद हमें इसका कवर देखने के लिए मिल जाता है। माशाल्लाह अच्छा है, तो ये देख सकते हैं इसके ऊपर रेडमी की ब्रांडिंग है और बैक साइड पे भी रेडमी ने ब्रांडिंग की हुई है और इतना बड़ा कटआउट है। तो अब हम इन सारी चीज़ों को साइड पे रख लेते हैं और अब हम अपना जो फ़ोन है उसको निकालते हैं। तो मोबाइल फ़ोन हमारे हाथ में आ चुका है और माशाल्लाह फर्स्ट हैंड फील इसकी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है। तो हम इसको कवर से रैप आउट करते हैं और इसको मोबाइल निकालते हैं। तो ये हमारे पास जो है ब्लैक कलर के अंदर अवेलेबल है और इसके अंदर हमें ये फ्रंट से प्री अप्लाइड प्रोटेक्टर के साथ आता है। अगर मैं आप लोगों को जूम करके दिखाऊं तो ये प्री अप्लाइड प्रोटेक्टर के साथ है। तो इसको हम टर्न ऑन कर लेते हैं। ओके, तो ये ऑन हो चुका है और जब तक ये ऑन होता है हम बॉक्स के अंदर बाकी एक्सेसरीज को भी देख लेते हैं। इसके ऊपर इसका कवर अप्लाई कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह की फील आती है। ओके, तो कवर लग चुका है और ये कोई इस तरह की फील है इसकी। ओके, तो MIUI 14 बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 13 के बेस पे आता है ये। और कुछ इस तरह ओपन होता है
और बॉक्स के अंदर हमें हमारी चार्जिंग लीड, ये हमें टाइप सी है इसके अंदर, ये देख सकते हैं इसके अंदर टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल है। ऑरेंज कलर के साथ आती है तो इसका मतलब ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। उसके बाद हमारे पास हमारा पावर अडाप्टर आ जाता है और माशाल्लाह जी 67 वॉट के साथ आता है। ये डिज़ाइन बाय शाओमी और ये आप लोग इसकी स्पेक्स वगैरह इधर से वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ओके, तो ये सारा इसका ये लुक है चार्जर की। तो बस दैट्स इट फॉर दी बॉक्स, बॉक्स के साथ ये कुछ आता है। तो बताइएगा आपको ये वीडियो किस तरह की लगी। तो इंशाल्लाह अगर आपको इसका एंटूटू बेंचमार्क और इसकी सारी अपडेट्स वीडियोस भी आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, फिर किसी नए दिन किसी नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।